नमस्कार दोस्तों, ग्लेनमार्क फार्मा। देखिए, ग्लेनमार्क फार्मा में एक बेहतरीन पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है और ग्लेनमार्क फार्मा में आप लोगों के लिए एक स्विंग कॉल्स लेकर प्रोवाइड हुआ हूँ सामने में। देखिए, ग्लेनमार्क फार्मा अपने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। आप देख रहे हैं, दिस इज वन टाइम, दिस इज टू टाइम, थ्री टाइम एंड दैट इज फोर टाइम। ये चौथा बार है जब इसने रेजिस्टेंस लिया और पांचवा बार में इसने ब्रेकआउट कर दिया। अगर आप नीचे की साइड में देखें तो वॉल्यूम भी जबरदस्त ब्रेकआउट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वजह से ग्लेनमार्क फार्मा में मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में, डेली चार्ट पे देखा जाए तो ब्रेकआउट तो हो गया, वीकली चार्ट में भी आने वाले समय में ब्रेकआउट हो चुका है और मंथली चार्ट रहा है तो मंथली चार्ट में भी आपको बहुत जल्द ही ब्रेकआउट नया वाला मिल सकता है ग्लेनमार्क फार्मा में। तो सारे देखे, आप अगर वीकली, डेली और मंथली देखे तो प्रीवियस सारे ब्रेकआउट हो चुके हैं, लेकिन आने वाले मंथ के जितने भी बचे हुए हैं ऊपर 500 तक के टारगेट के लिए ग्लेनमार्क फार्मा में एक पोजिशन को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। देखिए, आप अपना भी रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट कर लें और उसके बाद ही अपना ट्रेडिंग डिसीजन करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके। तो जबरदस्त तरीके से एक ब्रेकआउट को ब्रेक सस्टेन करता हुआ, एक बॉक्स एरिया को ब्रेक करता हुआ मंथली चार्ट में भी ग्लेनमार्क फार्मा काफी ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। तो डेली, मंथली, वीकली सारा है। अब बच गया है ईयरली ब्रेकआउट होने को ग्लेनमार्क फार्मा। तो अभी पहले हम लोग 6 मंथ का ब्रेकआउट देखेंगे। तो ये 6 मंथ का कैंडल को देख रहे हैं, इसको भी इसने ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आया है। इसलिए अगर बड़े टारगेट के लिए प्ले करना है तो 525 तक के टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हैं ग्लेनमार्क फार्मा को, जो हर लेवल पर कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों, ये इस तरह के वीडियो आप पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल और साथ ही आपके टेली मोबाइल ऐप को जरूर ज्वाइन करें, जहां पे आपको इस तरह की चीजें अक्सर मिलती रहती है। तो 500 के टारगेट के लिए, 520 के टारगेट के लिए ग्लेनमार्क फार्मा का बाय पोजीशन बनाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।